एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं राधिका आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। शाम के बजे थे यहाँ पर 6:30 और अभी दिन ढलाई था, सो मैं ऊपर टेरिस पर आई अपने हस्बैंड जी के साथ। हस्बैंड जी मेरे आ चुके थे ऑफिस से, तो यहाँ पर टेरिस पर देखा तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश हुई है। तो मैंने सोचा यार थोड़े से कपड़े पड़े हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर मॉर्निंग में वॉश करने हैं तो सुबह मतलब धूप निकलने से पहले, नहीं तो सुबह उठते यहाँ पर बहुत तेज धूप आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऊपर ना इतना अच्छा मौसम लगा, मैंने सारे ही कपड़े बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट सारे ही लेकर आ गई मैं ऊपर टेरिस पर। और आप लोग ये पताका देख रहे हैं, बाबा की ध्वजा कैसे लहरा रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी गई सच में। तो यहाँ पर रात होने से पहले सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ और उसके बाद अभी डिनर वगैरह मैंने बनाया था। मैं तो ऊपर टेरिस पर बस ऐसे ही वॉक करने के लिए आई थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा वॉक भी कर लूँगी, थोड़ा वर्कआउट भी कर लूँगी और उसके बाद कपड़े भी साथ के साथ वॉश होते रहेंगे। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी गाइस, और लगाने के बाद जितने भी लाइट कपड़े थे वो मैंने सारे डाल दिए थे उसमें, और उनको धुलने में थोड़ा टाइम लगने वाला था तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। वर्कआउट बहुत जरूरी है गाइस अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन पता मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती। बहुत कम होता है कि हाँ मैं वर्कआउट वगैरह कर लेती हूँ, मतलब रात में सोचती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में करूँगी, बट काम में इतना ज़्यादा उलझ जाती हूँ ये सब चीज़ नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैंने दो हल्का फुल्का सा वर्कआउट करने आई तो थी, लेकिन मन में लालच आया कि वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, सुबह मॉर्निंग में तो बहुत धूप आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो लाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे वॉशिंग मशीन के अंदर, इनके कॉलर वगैरह मुझे मतलब रगड़ने होते हैं, तो ब्रश से मैं ये सब चीज़ें साफ करती रहती हूँ, तभी लाइट कलर के कपड़े थोड़े साफ़ हो पाते हैं। यहाँ पर हम मतलब हमारे यहाँ साहिबाबाद का पानी ना बहुत ही बेकार है गाइस सच में, सबको तो मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है और कपड़े भी बहुत अच्छे से वॉश नहीं होते। देखिए गाइस यहाँ पर एक बार के कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके थे, और जितने भी वायर लगे हुए थे, तार लगे हुए थे ऊपर टेरिस पर, मैं उनकी मतलब साफ़ सफाई पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि कपड़े सुखाने से पहले थोड़ा तारों को साफ करना चाहिए। एंड यहाँ पर सारे ही कपड़े मैं सुखाने के लिए डाल दूंगी, और जब तक हम लोग डिनर करेंगे 10-11 बजे तक हम लोग डिनर वगैरह करके फ्री होते हैं, तभी मैं ऊपर टेरिस पर से सारे कपड़े नीचे लेके जाऊँगी और ड्राइंग रूम में सुखा दूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं, रात में कभी भी अचानक से बारिश आ जाती है तो भाई ओवरनाइट तो मैं यहाँ पर छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी मेहनत पर फिर जाएगा फिर बहुत सारा पानी। तो बस गाइस यहाँ पर सारे कपड़े फटाफट सुखा देती हूँ। गाइस सारे कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके थे, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरी टेरिस की धुलाई कर दी। धुलाई करने के बाद वैसे कहते हैं कि रात में मतलब धुलाई वगैरह साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए, बट क्या करूँ गंदा इतना ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर। तो चलिए यहाँ की साफ सफाई करने के बाद अभी नीचे जाऊँगी, और यहाँ नीचे मैंने बनाने के लिए रखा था यहाँ पर देसी घी। सो देखिए गाइस ये है मलाई का घी, जो हम लोग हफ्ते भर की मलाई इकट्ठा करते हैं उसका घी मैंने निकालने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पर अभी पूरी तरीके से घी नहीं निकला था और मैं गैस बंद करके ऊपर टेरिस पर ही गई थी, तो इसको अभी और मुझे पकाना है। और इधर मैंने बनाई थी फिर लौकी और चने की दाल की सब्जी। लौकी चने की दाल की सब्जी मेरी तो फेवरेट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि घिया कौन खाता है, बट मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में चने की दाल डालो ना तो बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है, और इसकी सब्जी के साथ थोड़ा घी डालो ना और भी ज़्यादा। सो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ मैसर से, और लौकी को अच्छे से मैश करने के बाद ना ये देखिए सब्जी स्पाइसी सी बनाओ ना, टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के तो बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये वाली सब्जी। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए गर्म गर्म चपाती वगैरह बनाएंगे इन लोगों के लिए। चपाती वगैरह बनाने से पहले किचन की थोड़ी साफ सफाई, साफ सफाई बहुत जरूरी है गाइस हमेशा। मतलब किचन में मैं जब भी काम करती हूँ मेरे हाथ में एक गीला कपड़ा रहता है एक सूखा कपड़ा रहता है, मतलब गीला जो सिंक है उसकी साइड एंड सूखा इधर की साइड गैस वगैरह की साइड, तो मैं मतलब बार बार यहाँ की साफ सफाई करती रहती हूँ। मतलब किचन हमारी फैलती नहीं है, आप जो भी काम करो सारा जो जितना भी सामान है उसकी जगह पर रखते रहो ना, तो आपकी किचन ज़्यादा फैलेगी नहीं। तो यहाँ पर किचन की साफ सफाई करने के बाद साइड में मैंने घी भुनने के लिए रख दिया, जितनी भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और इधर मैं भून रही हूँ जीरा, जीरा मैं तवे पर ही भून रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर रायता। थोड़ा लौकी की सब्जी के साथ हम लोग बूंदी का रायता बनाते हैं तो काफी टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पर जीरा भून चुका है, इसको अच्छे से पीस लूंगी, चकला बेलन मैंने रख लिया है, और पीसने के बाद यहाँ पर बनाऊंगी मैं मतलब रायता, और उसके बाद बनाऊंगी गरम गरम चपाती।
बूंदी का रायता बनकर रेडी था गाइस। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, देखिए देसी घी क्या मस्त लग रहा है ना, बिल्कुल शुद्ध देसी घी बनने वाला है। और इधर हमारी बन रही है चपाती, और ये ब्लैक ब्लैक चपाती इसलिए लग रही है क्योंकि अभी मैंने जो चकला मतलब चकला होता है उस पर मैंने जो जीरा होता है वो पीसा है, तो इसलिए पहली जो चपाती है ना वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। कृष्णा बोले थे मम्मा कैसी चपाती बना रहे हो, मैंने कहा यार मैंने अभी जीरा बुना ना इसलिए थोड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमारी थाली रेडी है। यहाँ पर देखिए ये खाना बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है गाइस, और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बस उसके बाद सारी मैंने थाली लगा ली है, तो चलिए सभी लोग खाना खाते हैं। और इधर घी भी बनकर बिल्कुल रेडी था, ठंडा होने के लिए रख दूंगी इसको मैं, और जब तक कि हम लोग खाना वगैरह खाएंगे तब तक हमारा घी बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। गाइस हम लोग डिनर वगैरह करके फ्री हो गए थे, तब तक मैंने देखा तो यहाँ पर घी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी था, मतलब घी तो पहले ही बन गया था बट मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा घी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अभी गर्मी है ना तो गर्मी के कारण ही मेल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए घर का बिल्कुल शुद्ध देसी घी, और बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। हम लोग तो यही वाला घी यूज़ करते हैं, मार्केट का बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो बस गाइस इस ब्लॉग का एंड में ये पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, श्री शिवाय, नमस्ते उभयम्, हर हर महादेव।